हे गाइस, यूएक्स डिजाइन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि यूएक्स डिजाइनर और यूआई डिजाइनर में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का यदि यूएक्स अच्छा है और यूआई अच्छा नहीं है, या यूआई अच्छा है यूएक्स अच्छा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट जो है मोबाइल एप्लीकेशन का वो मार्केट में सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि यूजर थॉट या यूजर बिहेवियर से अगर यूजर एक्सपीरियंस तो अच्छा है बट लुक एंड फील अच्छा नहीं है तो भी आपका प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू वॉचिंग में बने रहेंगे क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में टोटल डिफरेंस आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि जो यूएक्स डिजाइनर और यूआई डिजाइनर का जो टॉपिक है उसमें 6 पॉइंट पे आपको बात करूंगा, 6 डिफरेंस बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट वाला में जो हेडर है, जिसमें आप देख रहे हैं थॉट प्रोसेस लेफ्ट में भी है, राइट में भी थॉट प्रोसेस है, डिजाइन बेस्ड ऑन लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में समटाइम्स फाइल्स है, राइट में भी समटाइम्स फाइल्स है। तो ये दोनों है, एक है लेफ्ट में जो है वो आप देख रहे हैं, जो यूजर को देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूएक्स डिजाइनर है, और राइट साइड में जो देख रहे हैं वो है यूआई डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर रिसर्चिंग का काम करता है, पूरे एप्लीकेशंस के बारे में पूरे सिनेरियो को पता करता है। इसलिए आप इसका जो गूगल आप चश्मे देख रहे होंगे स्पेक्टिकल्स, वो एक अलग तरह का है थोड़ा सा, और राइट साइड में है वो है यूआई डिजाइनर, जो कि कलर और टाइपोग्राफी और यूजर का जो एप्लीकेशंस का लेआउट है उस पर काफ़ी डिटेल में वो फोकस करता है, इसलिए वो बहुत ही करीबी से देखता है। इसलिए ये यूआई डिजाइनर का इस तरह से आई पे आप देख रहे हैं। तो लेफ्ट में आप देख रहे हैं यूएक्स डिजाइनर, राइट में आप देख रहे हैं यूआई डिजाइनर। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थॉट प्रोसेस यूएक्स का, कि यूएक्स का बंदा क्या करता है और यूआई का बंदा थॉट प्रोसेस में क्या करता है। विजुअल जो सेंटर में आप जो 3 डिवीजन देख रहे हैं, विजुअल स्टेट, डिजाइन प्रिंसिपल और एक्सपर्टाइज, ये आपका दोनों का कम्बिनेशन है, लेकिन दोनों का रोल यहाँ पे अलग अलग होता है। तो थॉट प्रोसेस में जो यूएक्स का रोल है वहाँ पे होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और एक होता है क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप यूएक्स का पार्ट में देखेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस का, जैसे आप सोचते होंगे कि एप्लीकेशन कैसे बनाएं, यूआई डिजाइन तो आता है लेकिन इसके लिए बहुत सारे रिसर्च होता है, एप्लीकेशन रिसर्च करते हैं, मार्केट में और भी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जानते हैं, उसके और यूजर के बारे में जानते हैं, क्या इसका टेक्निक होगा, क्या इसका बिजनेस लॉजिक होगा, ये सारे चीज़ जो है से क्रिटिकल थिंकिंग में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में कैसे प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, कैसे वायर फ्रेमिंग होगा, कैसा उसका एनिमेशंस होगा, कैसे ये वर्क करेगा, ये आपको इसमें थॉट प्रोसेस में दिखाया जाता है या प्रोसेस टेक्निक को अपनाया जाता है। राइट साइड में अब मैं आपको थॉट प्रोसेस में बताता हूँ कि यूआई डिजाइनर का क्या रोल होता है। तो थॉट प्रोसेस जो यूआई डिजाइनर का होता है वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। जैसा कि आप देखें कि यूएक्स में क्रिटिकल थिंकिंग था, इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग, और दूसरा है कन्वर्जेशनल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब आपका कलर एप्लीकेशंस का, मोबाइल एप्लीकेशंस का कैसे है, और उसका क्रिटिकल थिंकिंग के बाद क्या स्टाइल होगा एप्लीकेशन का, क्या डिजाइन पैटर्न होगा, कैसा आइकन होगा, कैसा आइकनोग्राफी यूज होगा, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आप वायर फ्रेमिंग या प्रोटोटाइप बना हुआ है, उस वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप को विजुअल डिजाइन में उससे रियल स्क्रीन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसमें
कन्वर्जेंट थिंकिंग में फोकस किया जाता है। दूसरा पॉइंट अब चलता हूँ मैं डिजाइन बेस्ड ऑन पे। तो डिजाइन बेस्ड ऑन में UX के पार्ट में आप देखें और डिजाइन बेस्ड ऑन UI के पार्ट में देखेंगे। तो डिजाइन बेस्ड ऑन अगर UX की बात करूँ तो यहाँ पे तीन पॉइंट को आपको फोकस करना होता है। एक होता है यूजर्स, दूसरा है नीड्स और तीसरा है रिसर्च। मतलब आपको जब डिजाइन बेस्ड की बात करूं तो UX हमेशा जो सोचता है या रिसर्च कुछ भी करता है तो यूजर के बारे में, कस्टमर के बारे में सोचता है, कस्टमर को क्या नीड है उसके बारे में सोचते हैं और उसके बेस पे हम ये रिसर्च करते हैं। उसी तरह से अब मैं UI डिजाइनर की बात करूं तो UI डिजाइनर में तीन टॉपिक पे ध्यान देता हूं देना चाहिए। वो है डिजाइन बेस्ड में क्लाइंट्स, नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपको जो जो वायर फ्रेमिंग या प्रोटोटाइपिंग UX डिजाइनर के माध्यम से जो दिया गया है उस माध्यम से आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, उस प्रोटोटाइप और वायर फ्रेमिंग को ट्रांसलेट करके विजुअल डिजाइन में। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट के बारे में भी सोचना है और उसके नीड्स की बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूजर के बारे में फोकस नहीं करना है। यूजर का फोकस, यूजर को क्या जरूरी है और यूजर के बारे में क्या रिसर्च करना है, ये UX का काम है। लेकिन आपको अब उस प्रोसेस को जो वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग UX डिजाइनर के द्वारा किया गया उसको ट्रांसलेट करना है UI डिजाइनर में और उससे आपको सेटिस्फाई करना है क्लाइंट को और क्लाइंट के नीड को और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पे ये है डिजाइन बेस्ड का ऑप्शन। उसके बाद है डिजाइन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो डिजाइन प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूँ, सॉरी मैं उसके बाद बात करता हूँ समटाइम्स फाइल और समटाइम्स फाइल्स का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि UX डिजाइनर जो है, तो दोस्तों यहाँ पे समटाइम्स फाइल की बात करूँ तो आप UX डिजाइनर में जो समटाइम्स फाइल्स है और जो UI डिजाइनर का जो समटाइम फाइल्स है वो देखें। समटाइम फाइल्स का मतलब आपको जो फोकस करना होता है UX डिजाइनर अगर हैं आप तो इन्फॉर्मेटिव आर्किटेक्चर और प्रोग्राम मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटजी और फंक्शनल एनालिसिस पे केयर किया जाता है, जो कि नोट आउट किया जाता है पॉइंट को। जैसे कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट का मतलब है कैसे कौन से स्क्रीन्स पे कहाँ से कैसे नेविगेट करेगा। प्रोग्रामर मैनेजर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ उससे उनसे भी आइडिया लिया जाता है। कंसेप्ट स्ट्रेटजी उस के माध्यम से फिर कंसेप्ट अपना तैयार करते हैं, आइडिएशन सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने UX के वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप में। फंक्शनल एनालिसिस पे भी ध्यान दिया जाता है कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या टेक्निक होगा, ये सारे के सारे पॉइंट जो है समटाइम्स फाइल्स में डिटेल किया जाता है। अगर राइट साइड में मैं देखूं तो UI डिजाइनर का जो समटाइम्स फाइल में है उसमें आपको ग्राफिक डिजाइनर, ब्रांड पे ध्यान देना होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग करते समय क्या क्या ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, क्या थीम होगा, क्या उसका लॉजिक होगा, ये ध्यान देना होता है। वेब डिजाइनर के बारे में थोड़ा नॉलेज उसमें डिटेल पे ध्यान दिया जाता है। फ्रंट एंड डेवलपर से कुछ डिस्कस किया जाता है, जहाँ जहाँ आपको उस तरह से कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो। उसके बाद अगर मैं विजुअल स्ट्रेंथ की बात करूं, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे विजुअल स्ट्रेंथ में टास्क फ्लोज के बारे में डिस्कस किया जाता है यदि आप UX डिजाइनर हैं तो, और सिनारियोज के बारे में UX डिजाइनर डिस्कस करता है या बनाता है सिनारियोज को, कि कैसे सिनारियो बनेगा पूरे एप्लीकेशंस का, यूजर जर्नी क्या होगा, कैसे कैसे किस स्क्रीन से कैसे दूसरे स्क्रीन पे जंप करेगा जब यूजर किसी भी एक्शन कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करता है। उसके बाद अगर UI डिजाइनर की बात करता हूँ तो UI डिजाइनर जो है उसमें कलर पे ध्यान देना होता है, UI डिजाइनर को टाइपोग्राफी पे ध्यान देना होता है और जो मोबाइल एप्लीकेशन का जो गाइडलाइन है उस पे यूजर का, और इसमें एसेट्स जो होते हैं जिसका स्टाइल शीट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, पैटर्न यूज करते हैं, उस पे भी UI डिजाइनर को फोकस करना होता है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल में UX डिजाइनर जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के बारे में सोचता है और जो
UI डिजाइनर है वो विजुअल डिजाइन के बारे में सोचता है, जैसे कि आप ग्राफिक में देख रहे हैं, क्योंकि UI डिजाइनर का रोल ये होता है कि प्रोडक्ट लुक एंड फील में कैसे बेटर होगा और उसका यूजर का नेविगेशन कैसे होगा, ये पूरे टाइपोग्राफी, कलर और आइकनोग्राफी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। जबकि UI डिजाइनर का जो रोल है ह्यूमन सेंटर डिजाइन में पूरे सिनारियो को ध्यान दिया जाता है कि यूजर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज करेगा, उसका फंक्शनलिटी क्या होगा या उसे किस तरह से यूज करे कि कोई भी उसे यूज करते समय कोई डिफ़िकल्टी न हो, ये सब पॉइंट ह्यूमन सेंटर डिजाइन के माध्यम से फोकस। एक्सपर्टाइज दोस्तों लास्ट ऑप्शन है एक्सपर्टाइज का, और एक्सपर्टाइज में UX का जो रोल होता है वो होता है वायर फ्रेम क्रिएट करना, प्रोटोटाइप बनाना, रिसर्च करना, पैटर्न फॉलो करना, कुछ गाइडलाइन जो है और भी एप्लीकेशन के बारे में। और UI डिजाइनर का जो रोल होता है वो होता है मोकअप्स बनाने में, जो वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग होता है उसका मोकअप बनाने के लिए। मोकअप को इसलिए बनाया जाता है कि क्लाइंट को एक्चुअल डिजाइन दिखाया जाता है मोकअप्स में, और ग्राफिक्स पे वर्क करना होता है, उसके बाद लेआउट पे फोकस करना होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं दोस्तों इस पॉइंट पे। और दोस्तों इस वीडियोज़ में कुछ आपको साइड से साउंड भी आ रहा होगा, तो एक्चुअली मैं ये वीडियोज़ को बाहर मैं कहीं फील्ड में बना रहा था, एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो हो सकता है आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ क्षमा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो से मदद मिला है, आपको काफ़ी हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको हमेशा हमारे चैनल पे UI/UX से रिलेटेड आर्टिकल, अपडेटेड आर्टिकल, क्या अपडेट हो रहा है वो सारे के सारे न्यूज़ यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।